Good morning, students. I am your English teacher. Today I will teach you use of article a and the. इसका यूज कैसे होता है और कहाँ होता है. आर्टिकल, आर्टिकल क्या है? An article is a demonstrative adjective. Demonstrative मतलब होता है प्रदर्शनात्मक. Adjective विशेषण, यानी आर्टिकल एक प्रदर्शनात्मक विशेषण है. अब हम जानेंगे कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं. How of article, kind of article. सबसे पहला है first is definite article and second is indefinite article. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, definite मतलब होता है निश्चित और indefinite मतलब होता है अनिश्चित. Definite article, the is the definite article. It is used before famous books, epic, nation, collective noun, superlative degree of adjectives, historical buildings. यानी कि the का यूज इनके आगे किया जाता है. अब the historical building क्या, जैसे कि लाल किला है, the red fort हम ऐसे लिखते हैं ना, the ताज महल, तो ऐसे ही. अब जैसे mountain है तो mountain, the हिमालय, river, the गंगा, the यमुना, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अब indefinite article क्या है? indefinite article है A and N are indefinite articles. These articles are used for one person or one thing. A और N जो article होता है वो indefinite article होता है. A का प्रयोग consonant letter के आगे होता है और N का प्रयोग होता है vowel letter के आगे. तो अब हम कुछ example जानेंगे इसके विषय में. फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है टॉय. टॉय वर्ड जो है वो टी से शुरू है और टी क्या है, कंसोनेंट है. तो टी, टी जो है कंसोनेंट लेटर है इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे अ. तो क्या लिखेंगे, अ टॉय. एप्पल, एप्पल के आगे हमने एन का प्रयोग किया है. क्यों? क्योंकि एप्पल में ए लेटर जो है वो वॉवल लेटर है. अंपायर, आप सबने अंपायर देखा होगा, क्रिकेट मैच में अंपायर होता है. तो अंपायर के आगे हम एन का यूज करेंगे क्योंकि अंपायर में जो यू लेटर से शुरू है इसलिए. अ बॉल, एन आउल, अ काइट, एन एलिफेंट. बच्चों एलिफेंट ई से शुरू हुआ है तो ई क्या है, वॉवेल, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे. अ बैट. अब हम द का एग्जाम्पल जानेंगे. द, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार. एक बार आप लोग रिमाइंड करेंगे, द, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित. तो द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार. सभी स्टूडेंट्स आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनका यूज होता है. थैंक यू.